आपका 5 को विधायक का मतलब हैसियत ही नहीं है, आप 5 लोकसभा मांग रहे हैं, मतलब क्या ही बात है बताइए। सर पैर की बात होनी चाहिए ना। हाँ अरे खाइए उतना ही जितना आप पचा सकते हैं। पुत्र मोह में पढ़ करके आपने अपने राजनीति का जो काला रूप दिखाया लोगों को, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कहा ना उन्होंने कि मैं पार्टी का विलय नहीं करना चाहता था, तो आपकी पार्टी है, आप 243 पे लड़ सकते हैं, तो मांग क्यों रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? भाई आपकी पार्टी है, मांग रहे हैं तो मांगना क्या कहलाता है? भीख ही मांगना कहलाता है ना, अधिकार मांगना, भीख थोड़ी। आप जो इंसान हमेशा ही दलित शोषित और एक अपनी सामाजिक विचारधारा की झूठ के बल पे जो राजनीति करते आए, जीतन राम मांझी जी जो है ना, हम और हमारे 3 और 4 परिवार के आगे उन्होंने कभी सोचा है क्या वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेटा, बहू और समधी, इसे अलावा उनकी पार्टी कभी आगे बढ़ पाई है क्या? स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग कभी भी अपने समाज और अपने लोगों के कभी भी हितकारी नहीं हो सकते, पुरुधा नहीं हो सकते, कभी भी उनके लिए आदर्श नहीं हो सकते। स्वार्थ की राजनीति, पुत्र की राजनीति, अरे जो लालू प्रसाद यादव जी की वजह से आज उनके बेटे जो है MLC के पद पे हैं, कहाँ नरेंद्र मोदी जी ने दिया था? हाँ बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वाले ने कब उस टाइम सुध क्यों नहीं ली थी? ऐसे विचारधारा वाले लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं जो आरक्षण मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, और उन्हीं के साथ जाकर के आप अपने समाज की क्या बात करेंगे? मांझी जी को लोमड़ी कैसे बोल रही हैं? सम्मान नेता है, सर्वमान्य नेता है। भाई मैं तो धूर्त लोमड़ी की कहानी सुना रही हूँ आपको, वो एक कहानी है और उस तर्ज पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से उस धूर्त लोमड़ी ने अपना एक चोंगा पहना हुआ था, और उसी रूप में कई ऐसे लोग हैं, कई इंसान हैं। 23 जून को होने वाली विपक्ष के बैठक से पहले जीतन राम मांझी ने एक बड़ा झटका दे दिया है। विपक्षी एकता को लेकर के लगातार बैठक की बात चल रही है और कैसे मोदी जी को हराया जाए इस पर फार्मूला बनाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस पार्टी के इकलौते मंत्री जो नीतीश कैबिनेट में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कोई एक भी ऐसा नेता नहीं है जो दलितों का वोट महागठबंधन को दिलवा सके। हम बात करेंगे इसी पर, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी है, इकलौते जो थे दलित के सबसे बड़े नेता, छोड़ के चले गए, अब क्या होगा? देखिए एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, शेर और धूर्त लोमड़ी की। जो शेर जंगल का राजा सब जानते हैं, और जो वो लोमड़ी जो धूर्त लोमड़ी थी ना, वो चाहती थी कि वो जंगल का राजा बन जाए, और इसलिए उसने क्या किया, खुद को नीले रंग में रंग दिया और उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, और पूरी मान मनवत के साथ वो जंगल में रहने लगी। लेकिन थी तो वो लोमड़ी और ऊपर से धूर्त, और वो हुआ हुआ करने की आदत भी, लोग बड़े मान सम्मान कर रहे थे उनको, सारी प्रतिष्ठा मिल रही थी उनको। अचानक एक दिन रात में बाकी सारे लोमड़ी जो थे ना, वो हुआ हुआ करने लगे, वो लोमड़ी भी खुद को रोक नहीं पाई, धूर्त लोमड़ी भी हुआ हुआ करने लगी, और सारे लोगों के सामने उसकी सच्चाई आ गई। यही सच्चाई जो है जीतन राम मांझी जी की है। जो इंसान हमेशा ही दलित शोषित और एक अपनी सामाजिक विचारधारा की झूठ के बल पे जो राजनीति करते आए, और अंततः वो उन्हीं लोगों के साथ जाके मिलने के लिए आज उतारू और बेताब चल रहे थे बहुत दिनों से, आज जिन्होंने मंदिर धुलवाए उनके प्रवेश के बाद, आप मांझी जी को लोमड़ी कैसे बोल रही हैं? सम्मान्य नेता है, सर्वमान्य नेता है। भाई मैं तो धूर्त लोमड़ी की कहानी सुना रही हूँ आपको, वो एक कहानी है, और उस तर्ज पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से उस धूर्त लोमड़ी ने अपना एक चोंगा पहना हुआ था, और उसी रूप में कई ऐसे लोग हैं, कई इंसान हैं, मैं सिर्फ मांझी जी नहीं, ऐसे उदाहरण कई मिलेंगे आपको, जो लोग चोंगा पहनते हैं, एक कहते हैं ना ऊपर आवरण दिखाने का कुछ होता है और अंदर उनकी आत्मा कुछ होती है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग कभी भी अपने समाज और अपने लोगों के कभी भी हितकारी नहीं हो सकते, पुरुधा नहीं हो सकते, कभी भी उनके लिए आदर्श नहीं हो सकते। मेरा कहने का अर्थ ये है, वो लोग जिन्होंने उनके मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर को धुलवाया, वो लोग जो हमेशा उनके समाज के और उनके जाति के लोगों के विपरीत रहे, जो आरक्षण समाप्त करने वाले, उनके बीच में आज जाकर के जो लोग मिल रहे हैं, जो कहते थे मैं दलितों का नेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। तो सभी बोल रहे कि कोई विचार पार्टी विलय कर लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई पार्टी विलय करके रहेगा। भाई एक बात बताइए, पार्टी आपसे कोई कह देगा विलय करने के लिए, और आप जब तक नहीं चाहिएगा तो कोई करवा लेगा नहीं ना? लेकिन इसको मुद्दा बनाना और अपने स्वार्थ को साधना दोनों दो बातें हैं। एक्चुअली कहते हैं ना कि इसके आड़ में उनको उन लोगों के साथ जाके मिलना था, जाइए स्वागत है आपका। भाई आप बीजेपी में चले जाएंगे और आप लोग और कमजोर हो गए। क्यों हम लोग कमजोर हो जाएंगे? ना छोटी पार्टी आपके तरफ से जीतन राम मांझी जी जो है ना, हम और हमारे 3 और 4 परिवार के आगे उन्होंने कभी सोचा है क्या
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेटा बहू और समधी, इसे अलावा उनकी पार्टी कभी आगे बढ़ पाई है क्या? मुसहर समाज के बड़े भाई, देखिए भाई मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, मुसहर समाज के बड़े नेता है तो आप आम लोगों को भी आने का मौका दीजिए ना। पुत्र मोह में पढ़ करके आपने अपने राजनीति का जो काला रूप दिखाया लोगों को, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग जो है ना वो विचारधारा की बात ना करें। जीतन राम मांझी जी मुंह में नहीं है, सुनिए रामविलास जी भी पुत्र मुंह में पड़े, तो लालू जी भी पुत्र मुंह में पड़े, अगर ये पड़ गए तो क्या पड़ गए? देखिए लालू जी की बात मत कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी है, मैं आपको नाम गिनवाऊंगा, हर जाति हर धर्म हर विशेष के लोग हमारी पार्टी में है, कितने विधायक हैं हमारे, और जीतन राम मांझी जी के कितने विधायक हैं देख लीजिए, कोई है परिवार से बाहर का, या कभी सोचा है उन्होंने परिवार से बाहर के लोगों को? स्वार्थ की राजनीति, पुत्र की राजनीति। अरे जो लालू प्रसाद यादव जी की वजह से आज उनके बेटे जो है MLC के पद पर हैं, कहाँ? नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, हाँ बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी वाले ने कब उस टाइम सुध क्यों नहीं ली थी? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा उनको मुकाम दिया, लेकिन क्या क्या कहते हैं, अगर आप बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दीजिएगा तो यही होगा ना, और ये बार बार वो करते रहा है। जीतन राम मांझी जी स्वार्थ से ऊपर कभी, पुत्र मोह से ऊपर और परिवार के से ज्यादा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, तो उनके रहने से स्वाभिमान की तो कोई बात ही नहीं। बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अब आप लोगों को नुकसान होगा बड़ा। निश्चित रूप से उनके रहने से और ना रहने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उनको फायदा था, वो सोचे कि वो इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस नुकसान को भरपाई कर पाएंगे। वाली बात कर रहे थे कि जब मुख्यमंत्री थे मंदिर धुलवा दिया गया, तो कौन लोग किस पर आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग हैं भाई, कौन लोग हैं जो मंदिर लोगों को, हमारे तो राष्ट्रपति जो थे वो भी मंदिर गए थे तो लोगों ने धुलवाया था, जीतन राम मांझी जी के भी जाने पे मंदिर धुलवा दिया गया था, तो ऐसे विचारधारा वाले लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं जो आरक्षण मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, और उन्हीं के साथ जा करके आप अपने समाज की क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? जीतन राम मांझी मुझे बता दें क्या एजेंडा है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके मिलने का? निश्चित रूप से कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिवार और स्वार्थ की राजनीति जीतन राम मांझी जी करना चाहते हैं। माफ़ करिएगा हमें इस विषय पे, मुझे नहीं लगता है कि उनसे किसी को कोई नुकसान होने वाला है। हाँ इतना तो ज़रूर है जो हमारे महागठबंधन के साथ जितना उन्हें जो कहते हैं सम्मान और प्यार और जो मिला, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे समाज तो दे देना चाहिए था आप लोगों को, सम्मान मिल जाता दे पांच का मतलब आपको पांच को विधायक का मतलब हैसियत ही नहीं है, आप पांच लोकसभा मांग रहे हैं, मतलब क्या ही बात है बताइए, सर पैर की बात होनी चाहिए ना। हाँ अरे खाइए उतना ही जितना आप पचा सकते हैं, मांगने से कहते हैं ना कि सिर्फ चीज़ें नहीं हो जाती, उसका आप उस लायक भी हैं या नहीं है ये भी बहुत बड़ी बात होती है। पांच सीट लायक नहीं थी, अब तो देखिए वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कह रहे थे कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, तो कहने पे किसी का रोक है? कहने पे तो किसी का रोक नहीं है, कह दीजिए अब आप ही कह दीजिएगा कि हम भी देश का प्रधानमंत्री बन जाना, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनिए, काबिलियत होनी चाहिए ना। आप तो खुद एक आपकी बहुत बड़ी पार्टी है तो आपको तो 243 सीट पर लड़ना चाहिए, आप मांगते क्यों हैं? अरे मांग क्यों रहे हैं आप, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आपको इतना अगर जन समर्थन है तो मांगने की बात क्यों उठती है? 243 सीट्स पे आप स्वतंत्रतापूर्वक लड़ सकते हैं, लड़के दिखाइए, मांग क्यों रहे? मांगना पता है ना, मैं मांगने को मैं भीख के स्वरूप मांगती हूं, और खासकर ऐसी पार्टियों के लिए जो भीख मांग रहे थे, जो जो स्वतंत्र रूप से उनकी खुद की पार्टी है, कहा ना उन्होंने कि मैं पार्टी का विलय नहीं करना चाहता था, तो आपकी पार्टी है आप 243 पे लड़ सकते हैं, तो मांग क्यों रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? भाई आपकी पार्टी है मांग रहे हैं तो मांगना क्या कहलाता है? भीख ही मांगना कहलाता है ना, अधिकार मांगना आपकी पार्टी है, हम तो पार्टी है ना भाई, हम आप मेहनत करते हैं पार्टी में तो आप टिकट मांगेंगे तो भीख मांगना थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं मैं तो मांगती हूँ इस बात को, जब आप कहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनने लायक है, हम प्रधानमंत्री बनने लायक है, संदर्भ में कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा अधिक, संदर्भ में से भी सुन लीजिए ना, मैं भी उसी संदर्भ में आपको अच्छे से बहुत क्लियर बता रही हूँ। जीतन राम मांझी जी की खुद की पार्टी है, ठीक है, और उन पार्टी के तहत वो 243 की विधानसभा में लड़ भी सकते हैं और 40 लोकसभा में भी लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं ना भाई, तो आप मांग किससे रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं? क्या आपकी शक्ति नहीं है, आप उस लायक नहीं है कि 243 सीट में आप अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सके? नहीं खड़ा कर सकते, फिर भी आप मांग रहे हैं, दबिश की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं इसे स्वार्थ की राजनीति मानती हूं, और मैं कहती हूं जीतन राम मांझी जी जैसे आदमी को, चाहे जीतन राम मांझी जी हों चाहे चिराग पासवान हों, ये कभी भी अपने समाज के पुरोधा नहीं हो सकते हैं, कभी भी उनके लिए ये काम और नहीं सोच सकते, ये हमेशा अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ सारिका पासवान जी थी, प्रदेश प्रवक्ता हैं राजद की, इनका कहना है कि स्वार्थ का जब बात आता है तो लोग
ऐसे ही करते हैं। उन आरोप लगाया कि परिवार से उठ करके ऊपर वो कभी सोचते ही नहीं, और अब जो 5 सीटों की मांग थी तो 5 विधायक नहीं जिता सकते तो उनको 5 लोकसभा में सीट कैसे मिल सकता था। बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।